अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीआरके न्यूज़ की नशरियात में आपका खैर मकदम है। उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे जिला कुपवाड़ा में हुए मुसल्लह तसादुम आरआई के हवाले से। नाजरीन, शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों के साथ हुए एक खून रेज तसादुम में 5 जंगजू मारे गए। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल जमगुंड इलाके में रात भर होने वाले तसादुम में 5 पाकिस्तानी अस्करीत पसंद अजान किए गए, जबकि इलाके में मुसलसल तलाशी कार्यवाही जारी है। जबकि इस हवाले से कश्मीर जोन पुलिस ने भी एक ट्वीट करके बताया कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों के साथ हुए एक खून रेज तसादुम में 5 पाकिस्तानी अस्करीत पसंद अजान किए गए। डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने आज ज्वाइंट डायरेक्टरेट एजुकेशन एडीसी अनंतनाग और दीगर मुअज्जज़ीन के साथ जिला अनंतनाग के दूर इफ्तदा इलाके शहबाद बाला का दौरा करके पसमंदा इलाकों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों और बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। मौके की मुनासिबत से बात करते हुए उनका क्या कुछ कहना था, देखिएगा। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उठाया साथ, मैंने बोला आप मौके पर चलो, आप खुद देखो कि इन लोगों की नीड क्या है। तो पहला हमें प्रायोरिटी पर वो रहा, दूसरा हमें नाबार्ड के तहत कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अभी नहीं है, जैसे मुगलपुरा खाशीपुरा की बात हो, थमन कूट की बात हो, तो गोरसी साहब के पास नाबार्ड का पैसा रहता है बहुत सारा, 50-60 करोड़ के आसपास है सीलिंग इस साल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की। तो मैंने गोरसी साहब से रिक्वेस्ट किया कि मुगलपुरा खाशीपुरा को हमें रोड बनाना है नाबार्ड के तहत, उसमें 2-3 करोड़ रुपये की हमें ज़रूरत है। थमन कूट को मिलाने में हमें 2-3 करोड़ की ज़रूरत है। यहाँ ऊपर 2-3 रोड है हमारे, जैसे सासखोड़ा नोगुमनार किया है, उसमें 5-8 करोड़ की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर गोरो खोज हुआ तो वो भी मौके के ऊपर हल हो गया। उसके साथ साथ हमारा जो है एनिमल हस्बेंड्री के साथ एक इस इलाके में उनकी बिल्डिंग नहीं थी, ऑफिस नहीं था, वो हम कपरन में खोलने जा रहे हैं, उसके भी आज इनाग्रेशन है। तो यही सारी चीज़ें थी जिनको हम आगे लेके चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि फ्रूटफुल रही आज का दौरा? आज के जो मीटिंग जो थी वो सक्सेसफुल रही, आवाम ने अपनी बात रही, स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखी और डिपार्टमेंट ने अपना जवाब दिया। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में रोल अच्छा है, रोल ज़्यादा है, टीचिंग स्टाफ कम है। जहाँ कमर की हम बात करें, कमर हमारा सेंटर प्लेस इस टाइम है, तो हायर सेकेंडरीज के अंदर जो स्टाफ होना चाहिए था वो स्टाफ अवेलेबल नहीं है। वो जॉइंट डायरेक्टर साहब को मौके पर लाए, सीओ अनंतनाग को मौके पर लाए, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि वो हम फुलफिल कर कोशिश करूँगा। और एलजी साहब की ये कोशिश है कि लोगों के लिए ही पॉलिसी बनाई जाती हैं, और अगर कोई पॉलिसी चेंज भी करनी पड़े तो वो हम लोगों के लिए करने को तैयार हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जितने भी लोगों ने यहाँ डिमांड रखी एक एक करके सब पूरी हो सकती। ज़रूर, हमने कल ही उनके साथ बात की, जब जिस दिन वो यहाँ पे हादसा हुआ उसी दिन हमने उनसे बात की, और इंशाल्लाह जल्दी देखोगे आप उस रोड को भी ठीक करेंगे और भी जो सुधार लाने की ज़रूरत होगी वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। पूरा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर खुद एलजी साहब नज़र रखे हुए हैं ताकि यहाँ के आखिरी बंदे तक वो सहूलियत पहुँचे जिसका वो मुस्तहिक है। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड का काम जो है वो शुरू हुआ था, उसमें कुछ जो खामियां रही हैं जैसे बच्चों ने वहाँ पे उजागर किया, इंशाल्लाह उसके जल्दी ही हम एक इंक्वायरी टीम बिठा के जितना भी पैसा उस पर खर्च हुआ है क्या वो सही ढंग से हुआ है, और जो पैसा बाकी बचता है वो भी उसी ग्राउंड पे इसी कमर में ही खर्चा किया जाए। जिला बांडीपोरा के बनवारी इलाके से ताल्लुक रखने वाले शाकिर अहमद डार के अहले खाना ने आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एक जोरदार एहतजाजी मुजाहरा दर्ज किया, जिस दौरान वो इंसाफ की मांग कर रहे थे। आपको बताते चले कि शाकिर अहमद डार की लाश कुंजर नाले से आज बरामद की गई है। 15 तारीख को जो वो बयान मौलवी साहबों ने किया था वो पुलिस के साथ मिलता नहीं था। अब आज सुबह हम गए थे पुलिस कुंजर SHO साहब के पास, उन्होंने वहाँ पे बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि 2-4 बंदों को हमने गिरफ्तार किया है, जब तक ना हम परफेक्ट प्रूफ लाकर रखेंगे ये कत्ल हुआ है या नेचुरली डेथ होगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब हम LG मनोज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, DG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और SSP साहब से गुजारिश करते हैं कि इस यतीम हम जैसे बेबस लाचार मुसाफिरों की मदद किया जाए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द अज़ल्द किया जाए, कातिल को हाजिर किया जाए। जिला डोडा के DDC चंगा नदीम शरीफ ने नए तामीर शुदा हायर सेकेंडरी स्कूल सिन्नो में स्मार्ट क्लासेस और कंप्यूटर लैब का आगाज किया। बताते चले स्कूल में DDC चंगा के एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत स्मार्ट क्लासेस का साजो सामान और कंप्यूटर लैब का साजो सामान खरीदा गया।
माशाल्लाह अगर इस साल ये अच्छा रहा, आप लोगों को ये पसंद आया, तो अगले साल मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 9th, 10th, 11th, 12th ये चार पांच जो क्लासेस हैं, अपर क्लासेस हैं स्कूल्स की, इन सब में स्मार्ट क्लासेस शुरू हो जाए। आप अपनी तालीम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए और आप कामयाब और कामरान हो जाए, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। जनूबी जिला अनंतनाग से आज हमारे नुमाइंदे ने ज़िरपोरा अनंतनाग बिजबिहारा में फ्रांस से आए सैयाह जोड़े से कश्मीर की खूबसूरती के हवाले से बातचीत की, जिस दौरान उनका क्या कुछ कहना था देखिए इस रिपोर्ट में। Yes, I love it. Only 2 days we are here, but it's very beautiful. Before we were in Ladakh and it was very cold. Yeah. So we wanted to enjoy the green field here. The weather, good weather, the lakes, the forests, beautiful nature that you have. That they are very nice, very welcoming. Here we have the tea, the food. They are very, very nice people. It's very different from what I'm used to, but it's nice. Thank you. As a tourist, we stayed 2 months in India and 1 week in Kashmir. 1 week in Kashmir. What do you feel in Kashmir? Well, this is very beautiful, very green. Nice nature, we love it. About Kashmir, what do you think? Very welcoming, good hospitality. To move, so no problem. Very good. Yeah, we took the road from Srinagar to come here. It was perfect. Perfect. You, what about Kashmiri breakfast? Yeah. Well, we took the Kashmiri tea with saffron. Yeah. It was very good. And also we took the small breads. Yeah. And well, perfect. Kahawa saffron. Yeah. Definitely tell them to come here because the nature is really amazing and people too. So yes, I really recommend to come here. जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में नामालूम अराजी तनाजे के दौरान कुछ नामालूम अफराद ने 2 नौजवानों को चाकू से वार करके जख्मी कर दिया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने करेवा कुलगाम इलाके में बहन बाई पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद दोनों जख्मी हुए और उन्हें करीबी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जबकि जख्मियों के अहल खाना का कहना है कि उनके पड़ोसियों के साथ जायदाद का तनाजा होने के बायस उन पर हमला करवाया गया। तमाम अहल खाना की जानिब से करीबी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जिला शोपियान के कराचा पथरी पाई नहरपुरा के लोग गुज़िश्ता कई दहाइयों से राबता सड़क की अदम दस्तियाबी का शिकार हो रहे हैं, जिससे वहां के लोग काफी परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। जरा इसे बात करते हुए मकामी लोगों का यूं कहना था। आए यहाँ पे, आपने देख लिया, बस ऐसे ही, मतलब बहुत बार हमारे यहाँ मीडिया वाले आए, देखा तो कुछ भी हल नहीं हुआ, बस आते हैं देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बहुत बार गुजारिश की, हमारा कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। तो जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे 10 किलोमीटर दूसरे गाँव से लेकर मेन रोड तक लिया जाता है, तो उसके टाइम पर ना पहुँचने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारा ऐसा, मतलब कोई प्रेगनेंसी का कोई केस होता है या कुछ ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। बस हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है और हमारी शोपियान डिस्ट्रिक्ट के डीसी से ये अपील है कि हमारा ये काम जो है ये जल्द अज जल्द किया जाए, क्योंकि आज के दौर में भी ऐसी मुश्किलात से गुजरना ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो हम गुजारिश करते हैं कि हमारा ये काम। फौज की नौगाम ब्रिगेड की जानिब से हंदवारा में 2 रोजा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जो कि आज खुश असलूबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। कि हम क्या करें, हम कहां जाएं, क्योंकि इतने सारे ढेर सारे ऑप्शंस पड़े हुए, हम कौन सा ऑप्ट करें। हमारे काउंसलर्स ने हमें ये बताया कि आपको क्या करना है, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो उसी को आप आगे लेके जाओ, और जो आपका पैशन है उसको फॉलो करो। अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ना है और हमेशा साथ में पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, ये हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स ने और हमारे काउंसलर्स ने हमें बताया है। तो मैं उन थोड़ी सी सही दिशा में सही समय पे मेहनत करते हैं तो आप, जैसे कि ऐसे 4 साल पहले 5 साल पहले रैंक 2 IAS ऑफिसर की बनी थी अथर अमीर, इस तरह के बहुत सारे अथर अमीर जम्मू कश्मीर
सिर्फ आईएएस में नहीं बल्कि इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, डिफेंस में, हर एक फील्ड में जम्मू कश्मीर देगा। और यही एक तरीका है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक भिन्न हिस्से की तरह जुड़ेगा और हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा खासा बूस्ट देगा। उधर सदर बाजार बिजबेहरा के मकामी दुकानदारों और लोगों ने हुकाम बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद से दरखास्त की कि वो सदर बाजार से पहलगाम रोड तक लिंक रोड की तरजीही बुनियादों पर मरम्मत करें। आप खुद ही देख रहे हैं रोड की हालत, उधर से आप नीचे से देख रहे हैं ऊपर तक, तो तकरीबन पुल तक ये इसकी हालत ऐसी है जी। पिछले साल इस पर मैगडम डाला गया मगर हमें नहीं लगता कि वो स्टैंडर्ड का था जी। कोई स्टैंडर्ड था जी जी। ऐसे ही मतलब मुझे लगता है ये बाजी डाल दी इस पर, थोड़ा सा उसमें कुछ डला होगा जी। काले कलर का, मगर साथ ही साथ ये सर्दियों में ही ख़त्म हो गए ये रोड तकरीबन। ये आप देख रहे हैं इधर कितने बड़े गड्ढे बन गए, उधर आगे भी जी। और खासकर यहाँ से जब सर्दी ये पानी आता है बारिश में तो वो ज़्यादा खस्ता करता है इसको, इस वजह से हम देख रहे हैं ये भी खराब रोड है, बहुत खराब है। गुजारिश करेंगे कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए क्योंकि टूरिस्ट का भी यहाँ से रश हो रहा है और ऊपर से मेन रोड है ये पहलगाम बिजबेहरा रोड जी जी। और हमारा अपना रोड मेन रोड है, यहाँ से सारा टाउन यहाँ से कनेक्ट होता है। 1-2 साल से ऐसे ही है ये रोड, मतलब बर्फबारी की वजह से इसमें खराबी हो जाती है। आपको ये देखना है अगर आरएनबी वाले इसमें कोई मैग्नमाइजेशन करते हैं तो उसको देखना है, उसका स्टैंडर्ड देखना है। मुझे नहीं लगता है कि कोई इस पर स्टैंडर्ड चेक करता है। मरीजों की सहूलियत और आसाइश के लिए पटन के जांगम इलाके में राहत हेल्थ सर्विसेज का इफ्तिताह किया गया है, जिस दौरान इफ्तिताही तकरीब एसडीएम पटन सईद फहीम ने डीएसपी पटन मोहम्मद अल्ताफ और दीगर अफसरान की मौजूदगी में अंजाम दी। लोगों को ज्यादातर यहाँ से हमारे साइड से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी बहुत कम है, रोड्स बहुत खराब है, तो क्या है कि ये क्लोजर में आ रहा है अभी, यहाँ पे बहुत जल्दी पेशेंट पहुंच सकता है। और मेडिसिन का तो हम होम डिलीवरी दे रहे हैं अभी, तो क्या है कि मेडिसिन घर पहुंच जाएगा, एज लोग हैं घर पे, ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते। तो जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल बुजुर्ग होते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अभी हेल्थ है, चूँकि हेल्थ यहाँ पे उसके, उनके लिए हम फ्री कंसल्टेशन और मेडिसिन में भी हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो नाज़रीन फिलहाल इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। टीआरके न्यूज़ देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।